Hello everyone, how are you all? So today I'm back with Active 2 Passive. आज मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ Active 2 Passive लेकर. अगर आप लोगों ने ध्यान से पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने Active 2 Passive की ज़रूरत क्यों पड़ती है, एक तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो है कि आपको एक्टिव सेंटेंस दे दिया उसको पेसिव बनाना है, या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक्टिव दे दिया तो उसके चार ऑप्शन होंगे पेसिव के, उसमें से एक पिक करना बात एक ही है. और फिर मैंने कहा था चेंज ऑफ वॉइस पेसिव दे दिया तो उसमें से एक्टिव निकालना है. तो बात ये थी कि पर्पज़ हमें जानना चाहिए कि एक्टिव टू पेसिव हमें चाहिए क्यों. अगर नहीं, अगर आता है पेसिव तो क्या होगा डे टू डे लाइफ में, कुछ भी नहीं होगा. यू कैन स्टिल स्पीक, यू कैन स्टिल राइट. लेकिन कई बार लाइफ में ऐसा आता है, जैसे मैंने पहले वीडियो में क्लियर कर दिया था, कि हमें ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देना होता है बजाय के सब्जेक्ट के. ऐसे केसेस में ही हमें पेसिव की ज़रूरत पड़ती है. अगर जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है प्रीवियस वन, प्लीज़ वॉच दैट, क्योंकि वहीं से बेस तैयार होता है. फिर भी आज भी मैंने आपको समझाने के लिए पहले से लिख के रखा और उसके बाद लाइव डेमोंस्ट्रेशन करके बताऊंगा. तो पेसिव की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हमको लगता है कि नहीं, सब्जेक्ट से ज़्यादा मुझे ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देना है. जैसा मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है कि कई कार्य सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं. अब मैं किसी व्यक्ति के लिए बोलूं कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार तो पुलिस ही करती है, तो पुलिस की बजाय उस व्यक्ति को या क्रिमिनल जिसको गिरफ्तार किया गया उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, वो आगे आ जाएगा और पुलिस को पीछे भेज देंगे या नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा. फॉर दैट पर्पज़ ओनली वी लर्न. तो वो सब बातें मैंने आपको बता दी है. प्लीज़ वॉच दैट वीडियो ऑल्सो इफ यू आर नॉट वॉच्ड. आज देखते हैं, आज उसमें मैंने आपको प्रेजेंट ग्रुप का सारा करा दिया था. चार में से तीन के बनते हैं, चौथा क्यों नहीं बनता उसका भी बता दिया था रीज़न, नहीं तो आज वापस में बताऊंगा. बात एक ही है, इसके भी चार हैं जैसे पास्ट ग्रुप के, तो इसमें एक का नहीं बनेगा, तीन के बनेंगे. तो चलो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं, लेट्स सी कि होता कैसे चेंज. अगर जिन लोगों ने वीडियो मिस कर दिया और अभी भी नहीं देखा है तो यहाँ से भी वो सीख सकते हैं और बाद में वापस प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं. होता क्या है, जैसा मैंने बताया कि सब्जेक्ट को हमें इम्पोर्टेंस नहीं देना होता है, इसीलिए हम इसको तो पीछे धकेल देते हैं ऑब्जेक्ट बना के. और वो मैंने चार्ट भी बना दिया था आपके लिए सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट कैसे चेंज होता है, फिर भी अभी लाइव करके बताऊंगा. और ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लेकर आते हैं, सब्जेक्ट पे. तो मैंने ये एक्टिव फॉर्मेशन लिखी है यहाँ पर. एक्टिव फॉर्मेशन में होता क्या है कि सब्जेक्ट आता है, उसके बाद सीधा क्रिया आती है या हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपकी क्रिया लगती है. यहाँ मैं वापस लिख देता हूँ. तो सब्जेक्ट के बाद या तो वर्ब आता है या हेल्पिंग वर्ब आता है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है. ये प्रोसेस होता है एक्टिव लिखने का. लेकिन पेसिव बनाते हैं तो क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो किसके स्थान पे आ गया, सब्जेक्ट के स्थान पे. इसमें तो दो टेंस ऐसे हैं, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल. यू डोंट हैव एनी हेल्पिंग वर्ब, बट हियर इन ऑल द केसेस इन पेसिव यू विल हैव हेल्पिंग वर्ब. बहुत यही इंपॉर्टेंट है. और सबसे ज़्यादा यूनिक इसका फीचर यह है कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है. अब बचपन से सीखते हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि थर्ड फॉर्म का मतलब हमें लगता है वैसा पास्ट है. नहीं, अगर आप पहले वाले वीडियो देखेंगे तो सारे थर्ड फॉर्म ही यूज़ हुए हैं पेसी में. और प्रेजेंट सिंपल भी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी है, प्रेजेंट परफेक्ट भी है. तो आज तो खैर पास्ट की बात है, लेकिन प्रेजेंट में भी थर्ड फॉर्म यूज़ होता है. तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि पेसी अगर बनाना है यू हैव टू यूज़ थर्ड फॉर्म. उसके बाद मैंने यहाँ पे पिछले वाले वीडियो में बताया था कि यहाँ बाई लगा के ऑब्जेक्ट लाते हैं, और ऑब्जेक्ट कहाँ से लाते हैं, सब्जेक्ट से. तो वो चेंज हो जाता है. अगर प्रोनाउन केस होता है तो आई का मी हो जाता है, या यू का यू ही रहता है, बी का अस हो जाता है. वो सारा चार्ट मैंने तैयार कर दिया था. और ये बाई का भी मैंने बताया था कि जनरल केस में ये बाई आता है 90% मान लो, 95% भी मान लो, लेकिन 3-4% केसेस ऐसे बचेंगे 5% जिसमें आपको दूसरे प्रपोजिशंस लगाने पड़ेंगे, विच आई विल टेल यू लेटर, क्योंकि वो थोड़ा एक स्पेशल केस हो जाता है. इसलिए मैं उसकी बिल्कुल अलग ही क्लास रख दूंगा कि जो अदर देन बाई का प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट से पहले क्यों करते हैं उसका भी रीजन बता दूंगा. लेकिन अभी आप बाई मान के चलो. और अब मैंने इसको एक्टिव से पेसिव में क्या चेंज आ रहा है उसका एक चार्ट बना के रखा है, उसके बाद मैं मिटाकर लाइव डेमोंस्ट्रेट करके बताऊंगा आपको. अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो प्रेजेंट सिंपल में यहाँ वर्ब फर्स्ट फॉर्म या एसईएस भी साथ में जुड़ता है कुछ ओकेजन्स पे, लेकिन यहाँ तो सीधा सेकंड फॉर्म ही है. अब ये सेकंड फॉर्म चेंज होके
पेसी में वॉज और वर्ब बी की फॉर्म आप वापस आ गए, इसमें प्रेजेंट की बी की फॉर्म इज आ रहे हमारी थी, अब यहाँ पे बी की फॉर्म पास्ट की आ गई तो वॉज वर आ गया और उसके बाद में थर्ड फॉर्म, उसके बाद में है पास्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद मैं उस एरिया में आपको सब लाइव करके बताऊंगा, ये भी यहीं रहेगा जिससे कि आप समझ सकते अच्छे तरीके से। अब पास्ट कंटिन्यूअस का अगर याद है आपको एक्टिव, तो वॉज वर प्लस वर फर्स्ट आईएनजी, इधर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आता ही, वो मैंने लिखा नहीं है। अब इसमें क्या है, बी की फॉर्म ऑलरेडी थी तो वो तो आ जाएगा। अब कंटिन्यूटी दिखाने के लिए, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बीइंग जोड़ा था, पास्ट कंटिन्यूअस के लिए भी हमें बीइंग जोड़ना है, पास्ट का इससे हो गया और बीइंग कंटिन्यूटी के लिए जोड़ दिया और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आना ही हो गया काम आपका ये, और ये वाला जो मेथड है वो तो चलते ही रहेगा। उसके बाद में आ जाओ पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का एक्टिव रूल क्या है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। खास बात क्या है इसके अंदर, ऑलरेडी यू हैव वर्ब थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब थर्ड फॉर्म तो पहले से ही मिल गया आपको। अब इसमें बी की फॉर्म लाना है, तो बी की फॉर्म कैसे आएगी, थर्ड फॉर्म वाली बी की फॉर्म आएगी, तो बीन, इसलिए यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, बीन। तो ये पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब में, और ये मेन वर्ब आपका हो गया। इस प्रकार से अगर आप प्रीवियस वीडियो से चेक करोगे प्रेजेंट से पास्ट ग्रुप में आने के लिए, तो बहुत ही सिंपल चेंजेस है, जहाँ फर्स्ट फॉर्म आ रहा था वहाँ सेकंड हो गया, जहाँ इज आ रहा था वॉज वर हो गया, जहाँ हेज हैव आ रहा था हेड हो गया। छोटा सा इतना सा अगर आप दिमाग में रखते हो, यू कैन वेरी वेल चेंज फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट, बात खत्म हो गई। अब मैं आपको लाइव डेमोंस्ट्रेशन करके बताता हूँ एक एक करके हर एक का। अब पास्ट सिंपल का है, मान लो कि एक सेंटेंस दिया है, ही किक्ड फुटबॉल, दो बना के बता देता हूँ आपको। तो इसमें ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब टू है, ये आपको पता लग गया, ये ऑब्जेक्ट है। अब जैसा मैंने आपको यहाँ पे करके बताया हुआ है कि मान लो मुझे इम्पोर्टेंस फुटबॉल को देना है, तो फुटबॉल यहाँ आ गया, और उससे पहले मैंने पता लगा लिया कि पास्ट सिंपल का, तो पास्ट सिंपल में ये वॉज वर्ब, दो हेल्पिंग वर्ब है मेरे पास में, फुटबॉल कौन सा केस है, सिंगुलर है, तो फिर क्या आ जाएगा, वॉज। थर्ड फॉर्म भी किक भी होती है, तो फुटबॉल वॉज किक बाई, और ही इधर आ गया तो हिम बन गया। तो देखा आपने वैसे के वैसे, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, ये चेंज हो गया किसमें, थर्ड फॉर्म में, और इससे पहले क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब। ये तो यही मैंने लिखा है कि हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में ये थर्ड फॉर्म आना ही आना है। तो फाइनली व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट, ऑल द पास्ट प्रेजेंट, सॉरी पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यू हैव टू यूज, एंड इस साइड का आपको आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। अब मान लो कि मैंने दोनों साइड प्रोनाउन ले लेता हूँ, सी हेल्प मी ऐसा मैं ले लेता हूँ, तो भी आपको पता लग जाएगा कि ये पास्ट सिंपल का है। अब इसमें दोनों साइड प्रोनाउन लेने का मतलब है कि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, मुझे इसको इधर ले के आना है, तो क्या हो जाएगा, आई। ये मैंने चार्ट बना दिया था, प्रीवियस वीडियो को देख लेना अगर आपके पास नहीं है, तो मी इधर आ गया तो आई हो गया। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा पास्ट के लिए, वॉज आ जाएगा, थर्ड फॉर्म भी हेल्प्ड ही होती है, ये हेल्प्ड हो गया, और बाय, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, हर। सो सी हेल्प मी और आई वॉज हेल्प बाई हर, जो हिंदी एंडिंग है वो वही रहती है। मैं हिंदी बोल के भी बता देता हूँ, उसने मेरी सहायता की, और पेसी में बनेगा मेरी सहायता की गई उसके द्वारा, ये तो सीखने के लिए हो गया। अब मुझे इतना ही लिखना है कि मेरे को वहाँ पर सहायता की गई, आई वॉज हेल्प, मेरे सब लोगों के द्वारा मेरी सहायता की गई, आई वॉज हेल्प बाई ऑल, बस वो चेंज करते चले जाते हैं और आपका ट्रांसलेशन तैयार होता चला जाता है, देन यू कैन राइट एंड यू कैन स्पीक, तो इसीलिए चाहिए। तो आपको पास का हो गया, अब कंटिन्यूस का मैं ले लेता हूँ इतने में, जिससे कि आप इसको देख भी सकते हैं साथ साथ में कि क्या रूल लिखा था मैंने। अब मैं एक लेता हूँ सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस का, ही वॉज राइटिंग ए लेटर। आपको पहला काम तो यही है कि देखना है कि भाई क्या है, तो ये पास्ट कंटिन्यूस है। अब आपके लिए लोकेशन है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इसको यहाँ लेके आना है, तो ए लेटर। अब ए लेटर आ गया, अब आपको पता है पास्ट कंटिन्यूस है वॉज और बीइंग, क्योंकि ये सिंगुलर केस है इसलिए वॉज तो जुड़ना है और उसके साथ में क्या जुड़ गया, बीइंग। अब राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटर्न, ये आ गया रिटर्न, और इसके बाद में जनरली बाई जुड़ता है, और ये चीज़ यहाँ पर आएगी
तो क्या हो जाएगा, हिम, तैयार हो गया। क्या हिंदी बनी? वह पत्र लिख रहा था और पत्र लिखा जा रहा था उसके द्वारा, ये हो गया। चलो एक और बना लेते हैं। सी वॉज वॉटरिंग द प्लांट्स, वो पौधों को पानी दे रही थी, ऐसी हिंदी बन गई इसकी। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? द प्लांट्स, ये नाउन है। नाउन जब आगे पीछे होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, प्रोनाउन में चेंज होता है। तो नेचुरली मुझे अब क्या करना पड़ेगा, इसको इधर लाना पड़ेगा, तो द प्लांट्स हो गया। और प्लांट्स प्लूरल है तो अब क्या आएगा, वर आएगा। ये नहीं देखना है कि यहाँ पे सी के लिए वाज था तो इसके लिए वाज लेंगे। नया सब्जेक्ट जो भी बन के आ रहा है उसके हिसाब से क्या हेल्पिंग वर्ब बैठता है वो देखना है। तो प्लूरल केस है, वर आ गया। अब पास्ट कंटिन्यूअस का इसलिए क्या जोड़ेंगे, बींग। वाटर का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा एज ए वर्ब, वाटर्ड, और बाई और सी इधर आ गया तो क्या हो गया, हर। तो ये आपके पास्ट कंटिन्यूअस का हो गया। वह पौधों को पानी दे रही थी और पौधों को पानी दिया जा रहा था उसके द्वारा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होपफुली। आप देख सकते हो, मैं वापस दिखा रहा हूँ आपको रूल, ये था एक्टिव का और ये बन गया पेसिव का। आप देख सकते हो बिल्कुल वैसा के वैसा ही है। अब आते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट पे। पास्ट परफेक्ट बहुत ही आसान है। जैसा प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोगों ने बीन जोड़ा था उतना ही केस इसके अंदर है। मान लो कि अब मेरे पास में चेंज करने के लिए है, ही हैड सेंट ऑल द लेटर्स, वह सारे पत्र भेज चुका था। क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट है, आपको इससे पता लग गया पास्ट परफेक्ट का एक्टिव है, और ये क्या है, पूरा ऑब्जेक्ट है। इसको आगे लेकर आएंगे, वी हैव टू ब्रिंग इट हियर एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, ऑल द लेटर्स, ये हो गया। अब हेड तो एक ही है हेल्पिंग वर्ब, अब इसमें क्या जोड़ते हैं, बीन। देखो यहाँ पर ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है ये बीन, और थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है ही सेंट, और ये इधर आ जाएगा तो ये बाई जोड़ देंगे और इसके साथ में ये आ जाएगा हिम। तो इस प्रकार से ये इधर आ गया, वो उधर चला गया, और जो वर्ब की फॉर्म है ये थर्ड आ गई, और हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखना है। इफ़ यू कैन रिमेंबर ऑल दिस इट बिकम्स रियली वेरी इजी एंड यू हैव मोर कैपेसिटी एंड रिसोर्सेज टू राइट एंड स्पीक। एंड रीजन इज दैट पेसी वॉइस वुड बी रिक्वायर्ड इन द फ्यूचर फॉर एनीथिंग। वाई? बिकॉज समटाइम वी नीड टू गिव मोर इम्पोर्टेंस टू द ऑब्जेक्ट, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। एंड दिस रियली बिकम्स लाइक एन ऑफिशियल लैंग्वेज। आप कभी भी कोई ऐसा टेक्स्ट पढ़ रहे हो जो कोई ऑफिशियल टाइप है, उसके अंदर बहुत कुछ आपको पेसी में मिलेगा। आप बैंकिंग के एग्जाम के लिए जा रहे हो, आप SSC क्लरिकल के लिए जा रहे हो, CGL के लिए जा रहे हो, कोई भी एग्जाम, अकाउंट क्लर्क के लिए जा रहे हो, रीड का एग्जाम दे रहे हो, आपको पेसी तो करना ही करना है। सो इट इज़ सो यूजफुल, एंड विद दैट डे टू डे लाइफ में भी आपको बहुत यूजफुल है। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। नाउ लास्ट वाले केस का बता देते हैं, जैसे उस दिन भी बताया था मैंने। अब क्या पैटर्न चलता है इसके अंदर कि बी की फॉर्म जोड़ना ही जोड़ना पड़ता है हमें। अगर एक बार ट्रांसफॉर्म फॉर्म में ले लिया है बी की फॉर्म, तो ओरिजिनल फॉर्म लेके आ सकते हैं, जैसे इस केस में था। पास्ट सिंपल के लिए वॉज वर था तो बी की फॉर्म हो गया ट्रांसफॉर्म करके, और पास्ट कंटिन्यूस में बी की फॉर्म पहले से ही थी तो ये वॉज वर लेके आ गए वो बी फॉर्म, और उसके साथ में कंटिन्यूटी के लिए बींग दिखा दिया तो बी की फॉर्म वापस आ गई। इसमें हेड था और बी की फॉर्म नहीं थी, बी की थर्ड फॉर्म का वो बना दिया हेल्पिंग वर्ब, तो हेड बीन हो गया। किताबों में कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा, इट इज़ जस्ट यू नो बाय एक्सपीरियंस यू कैन अंडरस्टैंड। लेकिन अब क्या हो गया कि लिमिट खत्म हो गई यहाँ कर, अगर आप देखोगे तो इसकी लिमिट खत्म हो गई बी की फॉर्म की। बी की फॉर्म फर्स्ट हमने यूज़ कर लिया ERM चेंज करके, उसको ट्रांसफॉर्म करके। सेकेंड फॉर्म वॉज वर्ब चेंज करके बना लिया, ING फॉर्म यूज़ कर लिया, थर्ड फॉर्म यूज़ कर लिया, अब कोई फॉर्म बची नहीं है। एंड वी नीड डिफरेंट बी फॉर्म फॉर मेकिंग पेसी, तो वो है नहीं अवेलेबल। फॉर दैट रीजन लिमिटेशन आ जाती है कि यू हैव ओनली 3 हियर आल्सो। तो कल वाले अगर मैं बोलूँ या प्रीवियस वीडियो वाले, तो 3 + 3 6 हो गए, सो आउट ऑफ 8 वी कुड मेक 6 पेसी, तो वो ये 6 पेसी आपके हो गए। अब फ्यूचर का कल करेंगे, लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू वॉन्ट आई कैन मेक वन मोर फॉर यू बिफोर आई एंड दिस क्लास। चलो सपोज आई से आई हैड, दोनों साइड प्रोनाउन ले लेता हूँ, आई हैड इन्फॉर्म्ड हर। अब
ये सब्जेक्ट है आपका, ये आपका वर्ब थर्ड है, ये आपका एच वी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है प्रोनाउन केस में और एग्जाम में आ गया। बहुत ही आसान है। व्हाट वी वुड डू, हर को यहाँ लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी हेड वैसे के वैसे आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे भी ये हेड, सॉरी हेड यहाँ पे है, अब इसमें क्या जोड़ रहे हैं बीन, तो अब जोड़ना है बीन, सो सी हेड बीन। इनफॉर्म की थर्ड फॉर्म इनफॉर्म्ड ही होती है, ये हो गया। और बाय, और इसको इधर ला के मी लिख सकते हैं, कई बार इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, इसके बारे में भी बताऊंगा मैं। सो विद दैट आई कंक्लूड द क्लास, इट्स ऑल ओवर फॉर द डे। सो कीप वॉचिंग एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब येट, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, बिकॉज यू विल गेट एवरीथिंग अंडर वन रूफ। यू विल गेट नॉट ओनली इंग्लिश lectures, but you will get other lectures also of geography, maths, chemistry, physics, biology, botany, everything is there on our channel. So please watch, subscribe and tell others also to do. Thank you very much. Have a nice day. Be safe. Stay at home. Bye bye. See you again.